hello students so in this video i am going to explain chapter number 12 of grade 3 max can we share okay so first of all take out your max notebook page number 166 here few solve the problems are given which you are supposed to write in your max notebook फर्स्ट वन ओवर इज इफ़ देर आर सिक्सटी बनानाज एंड टू मंकीज हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट यहाँ पे अगर सिक्सटी बनानाज है और दो मंकीज़ है तो एक मंकी को कितना मिलेगा वो पूछा जा रहा है सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ़ बनानाज टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने थे सिक्सटी फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ मंकीज़ टोटल नंबर ऑफ मंकीज कितने थे टू नंबर ऑफ़ बनानाज ईच मंकी गेट्स अब हमें ढूंढना है कि कितने बना, एक मंकी को कितने बनानाज मिलेंगे तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे किसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ बनानस को टोटल नंबर ऑफ मंकीज से तो सिक्सटी डिवाइड बाई टू सिक्सटी को मैंने यहाँ पे टू से डिवाइड किया तो हमेशा मैं अपना फर्स्ट नंबर देखूंगी जो कि है यहाँ पे सिक्स सिक्स टू से छोटा है कि बड़ा अगर छोटा होगा तो डिवाइड नहीं होगा बट यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा है मतलब डिवाइड होगा अब मैं चेक करूंगी टू के टेबल में सिक्स कब आता है तो टू वन जी टू 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 ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स तो मैंने यहाँ पे ऊपर थ्री लिखा माइनस सिक्स किया सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो फिर वो ज़ीरो मैंने नीचे लाया अब मैं जीरो को तो डिवाइड नहीं कर सकती तो उसे एज इट इज़ ऊपर कर दिया देर फॉर ईच मंकी इज गेट थर्टी बनानाज इस तरीके से मुझे पता चलता है कि एक मंकी को कितने बनाना मिलेंगे सिक्सटी बनाना मिलेंगे वैसे ही यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इफ़ देर आर सिक्स हंड्रेड बनानाज एंड टू मंकीज अगर सिक्स हंड्रेड बनानाज है और टू मंकीज़ है तो क्या तो नंबर ऑफ़ बनानास कितने हैं सिक्स हंड्रेड और नंबर ऑफ़ मंकीज़ कितने हैं टू अब मुझे ईच मंकी का ढूंढना है मतलब क्या करना है सिक्स हंड्रेड को डिवाइड बाई टू और जब मैं सिक्स हंड्रेड को टू से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा थ्री हंड्रेड तो इससे मुझे पता चलता है कि हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे थ्री हंड्रेड बनानाज फाइव फ्रेंड्स फाउंड टेन फाइव रुपी कॉइन्स ऑन द ग्राउंड दे शुड दे शेड देम इक्वली हाउ मच ईच फ्रेंड गेट्स पाँच दोस्त थे उन्हें दस फाइव रुपीज़ के कॉइन मिले टेन फाइव रुपीज़ के कॉइन मिले अब उन्हें इक्वली एक दूसरे में बांटना है तो एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कि टोटल मनी उन्हें कितना मिला उन्हें फाइव रुपीज़ के कॉइन मिले थे बट फाइव रुपीज़ के कितने कॉइन्स मिले थे टेन तो फाइव इंटू टेन फिफ्टी रुपीज़ अब नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं फाइव है, है राइट तो टोटल तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स इक्वल्स टू फाइव अब हमें ढूंढना है ना कि एक फ्रेंड को कितने मिले तो हम क्या कर देंगे टोटल मनी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्रेंड से टोटल मनी कितना था फिफ्टी उसको मैंने डिवाइड किया फ़ाइव से फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव तो क्या होगा कितने रुपीज़ मिलेंगे एक फ्रेंड को टेन रुपीज़ देर फॉर ईच फ्रेंड विल गेट टेन रुपीज़ वैसे इफ़ देर आर सिक्सटीन टेन रुपी नोट्स एंड फोर फ्रेंड्स टू शेयर देन हाउ मच ईच फ्रेंड विल गेट अब क्या हो गया सिक्सटीन है पर क्या है टेन रुपीज़ के नोट्स है और फोर फ्रेंड्स है तो एक फ्रेंड को कितना मिलेगा सबसे पहले तो टोटल मनी ही फाइंड करेंगे कौन से रुप, कितने रुपये थे टेन रुपीज़ थे और टेन रुपीज़ के कितने उन्हें नोट्स मिले थे सिक्सटीन मिले थे इसके लिए मैंने यहाँ पे टेन इंटू सिक्सटीन किया तो टोटल मनी हो जाएगा हंड्रेड एंड सिक्सटी अब नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं फोर तो मैंने लिखा नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल्स टू फोर ईच फ्रेंड विल गेट एक फ्रेंड को कितना मिलेगा तो वन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर तो जब मैं वन सिक्सटी को डिवाइड बाई फोर करूंगी सेम मेथड है फर्स्ट डिजिट देखने का फर्स्ट डिजिट यहाँ पे वन है वन फोर से छोटा है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता तो वन के पास क्या है सिक्स तो वन सिक्स सिक्सटीन अब मैं चेक करूँगी फ़ोर के टेबल में सिक्सटीन कब आता है फोर के टेबल में सिक्सटीन आता है ना फोर फोर जर सिक्सटीन तो इसके लिए मैंने ऊपर फोर लिखा नीचे माइनस क्या सिक्सटीन को सिक्स माइनस सिक्स जीरो वन माइनस वन जीरो फिर वो जीरो को नीचे लाया सेम जीरो ऊपर गया तो फोर जीरो फोर्टी तो इसका मतलब है हर एक फ्रेंड को फोर्टी रुपीज़ मिलेंगे वैसे ही फाइव फ्रेंड्स पाउंड रुपीज़ हंड्रेड इफ़ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गेट फाइव फ्रेंड्स थे उन्हें हंड्रेड रुपीज़ मिले अगर वो हंड्रेड रुपीज़ को एक दूसरे में इक्वली डिवाइड करे इक्वली शेयर करें तो एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे सबसे पहले तो टोटल मनी लिखेंगे टोटल मनी कितना है यहाँ पे कितने मिले उन्हें हंड्रेड रुपीज़ ही मिले तो मैंने यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ लिख दिए नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं

अब फोर के टेबल में टेन आता है कि नहीं वो चेक करना है हम सबको पता है फोर के टेबल में टेन नहीं आता तो हमें वहाँ रुकना है जहाँ पे टेन से ज़्यादा आ जाए वहाँ पे हमें रुक जाना है फोर के टेबल में फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व टेन से बड़ा है तो हम यहाँ पे वो ट्वेल्व नहीं ले सकते तो ट्वेल्व के पहले क्या आया था फोर टू ज़ा एट तो हम यहाँ पे एट ले लेंगे तो मैंने यहाँ पे जीरो वन जीरो टेन के नीचे एट लिखा ज़ीरो माइनस एट नहीं हो सकता तो मैंने बोरो किया बाजू में से वन तो कट करके टेन लिखा और वन को कट करके जीरो लिख दिया टेन माइनस एट तो आंसर क्या है टू फिर वो जीरो को नीचे ले गई अगेन मैं फर्स्ट डिजिट देखूंगी फर्स्ट डिजिट फोर से छोटा है कि बड़ा यहाँ पे टू है टू छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता तो टू जीरो ट्वेंटी हो गया फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है यस फोर फाइजा ट्वेंटी तो ऊपर फाइव लिखा और नीचे ट्वेंटी माइनस कर दिया इससे हमें पता चलता है कि हर एक फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलेंगे ट्वेंटी फाइव रुपीज़ वैसे ही हरिप्रसाद हैज़ थर्टी मीटर्स ऑफ रोप ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज थ्री फ्रेंड्स ईच चिल्ड्रन ईच चाइल्ड गेट्स डैश मीटर्स ऑफ रोप हरिप्रसाद के पास थर्टी मीटर का रोप है वो इक्वली डिवाइड कर देता है तीन बच्चों में तो एक बच्चे को कितने मीटर का रोप मिलेगा लेंथ ऑफ द रोप कितनी है थर्टी मीटर्स तो वो मैंने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस कितने हैं थ्री अब मुझे ढूंढना है ना कि एक बच्चे को कितना मिलेगा तो थर्टी डिवाइड बाई थ्री तो जब मैं थर्टी को थ्री से डिवाइड करती हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलता है टेन तो देयर फॉर ईच चाइल्ड गेट्स टेन मीटर्स ऑफ रोप अब वो क्या कर करें थर्टी सिक्स मीटर्स की रोप है तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा तो वापस से मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू थर्टी सिक्स मीटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं थ्री लेंथ ऑफ द रोप कितनी लेंथ ऑफ द रोप एक बच्चे को कितना मिलेगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई थ्री अगेन मैं फर्स्ट डिजिट देखूंगी जो कि है इक्वल में तो डिवाइड हो सकता है तो मैंने थ्री वन जॉ थ्री ले लिया तो थ्री माइनस थ्री जीरो फिर मैं सिक्स को नीचे लाऊंगी अब मैं देखूंगी थ्री के टेबल में सिक्स आता है कि नहीं तो थ्री टू जॉ सिक्स तो ऊपर टू लिखा नीचे मैंने सिक्स माइनस कर दिया तो जीरो इससे मुझे पता चलता है कि अगर थर्टी सिक्स मीटर्स की रोप हुई तो एक बच्चे को ट्वेल्व मीटर्स मिलेगी अब वॉट इफ सिक्सटी मीटर्स की रोप हो तो वैसे ही लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू सिक्सटी मीटर्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन थ्री लेंथ ऑफ दी रोप इच चाइल्ड गेट्स को सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री तो जब मैं सिक्सटी को थ्री से डिवाइड करती हूँ तो थ्री टू जैस सिक्स माइनस सिक्स जीरो और वो जीरो मैंने नीचे लाए तो जीरो तो डिवाइड हो नहीं सकता तो सेम एज़ इट इज़ ऊपर रख दिया तो so, अगर सिक्सटी मीटर्स की रोप है तो एक बच्चे को कितना मिलेगा ट्वेंटी मीटर का रोप मिलेगा ओके सो दिस वॉज़ पेज नंबर हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स आई आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेल थैंक यू